Hello students, today we will discuss the translation studies topic faithfulness, spirits and truth. Basically हम इस concept को understand करेंगे इस lecture के अंदर उस क्योंकि हमारे जो further lectures हैं वो आपस में interlinked हैं. तो ये जो faithfulness, spirits और truth है इसे Flora Amos ने in her early theories of translation के अंदर 1920 के अंदर ये ऑब्जर्व किया कि इससे पहले जो ट्रांसलेटर थे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो फेथफुलनेस एक्यूरेसी इवन जो वर्ड जो ट्रांसलेशन होता था उसके मीनिंग्स डिफरेंट परसीव करते थे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जो टाइम पीरियड, अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिलीजन, बिकॉज आपको पता है कि उस टाइम में चर्च के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था. अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रूल्स आप इंटरप्रिटेशन कर सकते थे, अदरवाइज यू आर विक्टिमाइज फॉर द ब्लास्फेमी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जिनको जो था एग्जीक्यूट कर दिया गया, हैंग कर दिया गया. तो ये सारी सिचुएशन चल रही थी, इसलिए इन वर्ड्स के उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से आपने मीनिंग अंडरस्टैंड करने हैं. किस तरह उसने हिस्ट्री में ट्रांसलेशन जो हुई उनका ट्रांसलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू के वो कैसे फिडेलिटी के क्या मीनिंग लेते हैं, स्पिरिट्स का क्या लेते हैं और ट्रुथ का क्या मीनिंग लेते हैं. उसने ये ऑब्जर्व किया कि लुइस कैली जिसने ट्रू इंटरप्रेटर के अंदर हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन थियरी एंड ट्रेसिस ऑफ द हिस्ट्री के अंदर के व्हाट ही कॉल्स द कि ये जो लुइस कैली था उसने ये देखा कि जो फिडेलिटी स्पिरिट और जो ट्रुथ है ये आपस में इनसेपरेबल है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेपरेट देम, ये आपस में इंटरकनेक्ट है, दे आर लिंक्ड हैं. द कंसेप्ट ऑफ फिडेलिटी का मतलब ये है कि फेथफुलनेस या लॉयल्टी होनी चाहिए इंटरप्रेटर के हवाले से, स्पोकन के हवाले से उसको ले रहे थे जो कि और उसने आगे कहा कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ जो फिडेलिटी था वो स्टार्ट के अंदर होरेस ने रिजेक्ट कर दिया. होरेस कहता था कि वर्ड फॉर वर्ड जो ट्रांसलेशन है दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल इन द ट्रांसलेशन स्टडी, जब हम सोर्स टेक्स्ट से टारगेट टेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे होते हैं. फिर उसके बाद उसने फिडेलिटी के हवाले से बताया कि इवन एट द एंड ऑफ 17th सेंचुरी तक जो फिडेलिटी का वर्ड था उसे आइडेंटिफाई किया जाता था के फिडेलिटी फेथफुलनेस टू द मीनिंग, कि हमने जो है फिडेलिटी का मतलब लेना है मीनिंग के हवाले से. एट द एंड ऑफ 17th सेंचुरी की बात कर रहा है, ठीक है, एट द एंड ऑफ 17th सेंचुरी तक जो फिडेलिटी था उसको या लॉयल्टी जो कंसिडर की जाती थी जब हम सोर्स टेक्स्ट से टारगेट टेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे थे तो मीनिंग के हवाले से रादर देन द वर्ड्स ऑफ ऑथर. ऐसा नहीं कि हम जो वर्ड्स हैं जब सोर्स टेक्स्ट में जो ऑथर के वर्ड्स हैं हम उसी को जहन में रख के जब हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं टारगेट टेक्स्ट में टारगेट ऑडियंस के लिए तो हम क्या कर रहे हैं फेथफुलनेस उस बात का ख्याल रख रहे हैं कि सेम वर्ड जो ऑथर के वर्ड्स हैं उनको लिया जाए. वो कहते हैं ये ऐसा नहीं, उन्होंने एट द एंड इवन के जो ऐसा चेंज होना शुरू हो गया कि 17th सेंचुरी तक जो एट द एंड सेंचुरी तक उसने जो मीनिंग के हवाले से फिडेलिटी फेथफुलनेस जो थी उसको आइडेंटिफाई किया जाने लगा. फिर वो कहते हैं स्पिरिट्स क्या होता है. स्पिरिट उसने कहा कैली कह रहा था लुइस कैली कि जो स्पिरिट्स होते हैं इसके टू मीनिंग्स होते हैं, एक क्रिएटिव एनर्जी होता है और ये एक इंस्पिरेशन होता है अगर हम लिटरेचर के हवाले से इसको देखें. फिर वो एग्जाम्पल देता है जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि चर्च का इन्फ्लुएंस था, होली स्क्रिप्चर को ट्रांसलेशन किया जाता था सोर्स से टारगेट टेक्स्ट की तरफ, तो उस वक्त हमें सेट ऑफ रूल जो चर्च के प्री सेट रूल थे उनको फॉलो किया जाता था. तो कहता है कि अगर हम वर्ड गॉड ले लें, चाहे आप बाइबल ले लें चाहे कुरान पाक के अंदर खुदा का एक वर्ड है पैरामाउंट, तो कहते हैं ऑल्दो कि इसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं हर लैंग्वेज के अंदर, लेकिन अगर आप देखें तो अगर हम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करें, ठीक है, और चाहे सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन करें, इन दोनों के दरमियान कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं कि जो आपस में क्या होते हैं इनका इंटरकनेक्शन होता है. देयर हैज़ बीन सच एन इंटरकनेक्शन ऑफ फिडेलिटी. फिडेलिटी एग्जिस्ट कर रही होती है चाहे आप सेंस टू सेंस करें या वर्ड फॉर वर्ड करें, ठीक है, उसमें फिडेलिटी इंटरकनेक्टेड होती है. फिर वो कहते हैं सेकेंड जो स्पिरिट्स है ऐसा हुआ कि स्पिरिट जो थे क्योंकि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू सेक्रेट टेक्स्ट को होली हम स्क्रिप्चर को ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो जो स्पिरिट का मतलब लिया जाता था कि इसको एनर्जी ऑफ वर्ड लें या होली स्पिरिट लें. पहले तो वो बता रहा था कि जो स्पिरिट्स का मीनिंग लिया जाता है आम लिटरेचर में एनर्जी के तौर पर लिया जाता है या इंस्पिरेशन के तौर पर लिया जाता है,
लेकिन जब हम रिलीजियस टेक्स्ट को कह रहे हैं सोर्स टेक्स्ट से टारगेट टेक्स्ट की तरफ, तो हम स्पिरिट्स को मीनिंग जो ट्रांसलेटर थे उस टाइम के वो ये लेते थे कि होली स्पिरिट लें या फिर एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड लें, और ट्रूथ का मतलब होता था कि कॉन्टेंट, वो उस टेक्स्ट का कंटेंट को कहा जाता था। लेकिन वो कहते हैं कि बाय द 17th सेंचुरी ऐसा हुआ कि जो फिडेलिटी का जो मीनिंग था, जो फिडेलिटी या लॉयल्टी क्रिएट की जाती थी जो ट्रांसलेटर क्रिएट कर रहा था सोर्स टेक्स से टारगेट टेक्स में, वो अब उसका जो मीनिंग था वो सिर्फ वर्ड टू वर्ड तक महदूद नहीं रहा बल्कि उससे से एक्सटेंड कर गया कि अब फिडेलिटी हमने वर्ड फॉर वर्ड नहीं सिर्फ लेनी, इससे ज़्यादा एक्सटेंड होगी। और वक्त के साथ साथ ऐसा होता गया कि जो एक रिलीजियस इम्पैक्ट या स्पिरिट वो कंसिडर करते थे कि होली स्पिरिट है या एनर्जी ऑफ वर्ड है, उसको जो रिलीजियस इन्फ्लुएंस है वो कम होता गया एंड ओरिजिनल एंड वो और उसके बाद का जो टाइम पीरियड था इसका मतलब जो स्पिरिट का लिया जाने लगा कि इट्स अ क्रिएटिव एनर्जी ऑफ टेक्स्ट या लैंग्वेज। ठीक है, होली स्पिरिट या एनर्जी ऑफ वर्ड्स को साइड पे करके उसने क्रिएटिव एनर्जी ऑफ द टेक्स्ट या लैंग्वेज को लिया। और इसके साथ साथ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी हम इन तीनों जो तीनों को, स्पिरिट को, फिडेलिटी को, एक्यूरेसी एंड ट्रांसलेशन, इन तीनों वर्ड्स को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो हमने चर्च के इन्फ्लुएंस को मद्देनज़र रखना है, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इन्फ्लुएंस चर्च का होल्ड बहुत ज़्यादा रहा है। ठीक है, और इसी वजह से इसके मीनिंग, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो रिलीजियस इम्पैक्ट था वो कम होता गया ट्रांसलेशन स्टडीज़ के अंदर। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली गिव योर कमेंट्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।